महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊँवाणी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। कुमाऊँवाणी के सभी श्रोताओं को गोपाल गुरानी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जीवन में महिलाओं का किरदार बहुत बड़ा होता है, चाहे माँ हो, पत्नी हो, बेटी हो या बहन। हमारे समाज के अस्तित्व में एक बहुत बड़ी कड़ी है महिला। उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी समाज के हर व्यक्ति की है, समुदाय के हर व्यक्ति की है। कुमाऊं व गढ़वाल के क्षेत्रों में महिलाओं का जीवन अन्यत्र राज्यों से बहुत कठिन है। ना ही वो अपने जीवन को समय दे पाती हैं, ना ही अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दे पाती हैं। समाज की एक भूमिका होनी ही चाहिए, इस व्यवस्था के लिए चिंतन की जरूरत है। क्या सोचते हैं लोग? जानते हैं राजेश बिष्ट अल्मोड़ा शिखर से। जी, मेरा नाम राजेश बिष्ट है, मैं होटल शिखर का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। और जहाँ तक आपका प्रश्न है कि जो हमारे गांव में महिलाएं होती हैं, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं का उनको अपना ध्यान नहीं रख पाती, तो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में जो महिलाएं होती है बहुत परिश्रम करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, अपने घर का आजीविका चलाती हैं। और ये सब देखते हुए एक तो अपने लिए खुद भी समय नहीं निकाल पाती, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन में गांव में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहुत लचर व्यवस्था रह गई है। डॉक्टर्स नहीं है, हॉस्पिटल्स में अच्छी दवाइयों का अभाव है, तो इसलिए ये आज की स्थिति हो गई है कि गांव में स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में कई महिलाओं को बड़े कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो इस विषय में मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार को ये देखना चाहिए कि जहां गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, वहां मोबाइल डॉक्टर मोबाइल वैन चलाई जाए, जिसमें सब सारी स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हों, और उसमें जिससे कि गांव के अंदर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सके। और जो गांव में स्वास्थ्य सेवा के अभाव में हमारी महिलाओं को या हमारे गांव के लोगों को ये स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं, दवाइयां नहीं मिल पाती हैं, तो उनको ये स्वास्थ्य सेवा मिल सके। देखिए, जिस तरीके से हमारे गांव में महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं रूटीन चेकअप के तौर पे नहीं मिल पाती और उनका स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हो पाता, तो ये बहुत जरूरी है कि सरकार इसमें ये ध्यान दे कि वो गांव में जो मोबाइल वैन सरकार चला सकती है, जिसमें डॉक्टर और सारे स्वास्थ्य संबंधी साजो सामान रखे जा सकते हैं, तो उसके माध्यम से गांव-गांव में जाके महिलाओं का या और भी हमारे गांव के जो इन कोई कई बीमारियों से जूझते हुए लोगों को अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, उनको रूटीन चेकअप उनको मिल सकता है। और ये सेवाएं चलाने से मुझे जरूर विश्वास है कि सरकार को एक अच्छा नाम मिलेगा। रूढ़िवादी समाज की एक विचारधारा ही रही है जो महिलाओं के प्रति उतना जागरूक नहीं दिखती जितना होना चाहिए। भले ही समाज दावा करता हो, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जितनी मेहनत महिलाएं करती हैं दोस्तों, उतनी वो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं है। क्या भूमिका होनी चाहिए महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति?
स्वयं महिलाओं की या समाज की या हमारी। शिक्षा के अभाव के कारण कहें या रूढ़िवादिता के कारण कहें, जाने क्यों हमारी पहाड़ की महिलाएं अपने दुख दर्द को, शरीर की तकलीफों को समय पर बात नहीं। अधिकांश महिलाएं सोचती भी नहीं है कि छोटी छोटी बीमारियां नासूर कैंसर जैसी यह जीवन के लिए खतरनाक हो जाती है। हम तो इतना ही कहेंगे, माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि वो कुछ न छुपाए। क्या सोचते हैं ग्राम प्रधान? मैं देवेंद्र मिश्र, ग्राम पंचायत होलबाग से। नहीं, जहाँ तक महिलाओं के स्वास्थ्य का विषय है, पहाड़ की जहाँ तक मैं अपनी बात कहूँ कि पहाड़ की महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय स्थिति है, क्योंकि पहाड़ की महिलाओं पर इतना काम का बोझ है जिससे उनको अपनी जो स्वास्थ्य की उनको परेशानियां हैं वो ना अपने घर में बता पाती ना बाहर बता पाती हैं, बिल्कुल संकोच रहती हैं। वो अपने घर में अपने पति को भी अपने स्वास्थ्य के बारे में बता नहीं पाती है। एक तो गांव की महिलाएं, पहाड़ की, खासकर पहाड़ की महिलाएं बड़ी सीधी सादी महिलाएं होती हैं, वो अपनी बातों को आगे रखने के लिए बहुत उनको एकदम आगे रख नहीं पाती हैं अपनी बातों को किसी के सामने, चाहे वो अपने परिवार के सामने हो चाहे समाज के बारे में हो, कहीं पर भी वो अपने बातों को रख नहीं पाती हैं, जिससे कि वो उनको अपने स्वास्थ्य के बारे में भी वो किसी के बारे में बताने, चाहे वो अंदरूनी कैसी भी उनको बीमारी हो, वो अपने बातों को वो रख नहीं पाती, क्योंकि उनके पास इतना काम धंधा होता है कि उसी काम धंधे में ही वो लगे रहते हैं, और थोड़ा जितना भी थोड़ा थोड़े उनकी बीमारियां होती हैं वो उस काम के चक्कर में उस बीमारी को भी किसी को बता नहीं पाती। नहीं, आज इन गांव की महिलाओं को, पहाड़ की महिलाओं को मैं समझता हूं कि जैसे हमारे यहां आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं कार्य करती हैं, उनके माध्यम से भी इन महिलाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज गांव में आशा कार्यकर्ता काम करती है। आशा कार्यकर्ता का फर्ज बनता है कि वो उन महिलाओं को आगे लाएं, उन महिलाओं से बात करें, छोटी छोटी जैसी बीमारियां उनकी होती हैं उनसे बात करके उनकी बातों को आगे रखें और उनको अपनी बात, अपनी बीमारियों के बारे में उनको खुलकर सामने आने के लिए आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बड़ा बड़ा योगदान मैं समझता हूँ रहेगा, अगर ऐसा है हुआ तो। मेरा नाम दीपक मेहता है और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते सर्वप्रथम मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि, और आज आप गोपाल गुरानी जी एक ऐसा विषय लेके आ गए हैं जो विषय मीडिया में बहुत पहले उठ जाना चाहिए था, और शायद आज हमारे क्षेत्र के जितने प्रतिनिधि लोग हैं या फिर क्षेत्र का जो दायित्वधारी लोग हैं इन्होंने उठाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की हम उठा नहीं पा रहे हैं। आपने आज विषय उठाया है कि जो हमारी गांव की महिलाएं हैं इनके स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जाता है और ये अपने स्वास्थ्य के प्रति किसी को बता नहीं पाती हैं और एक बाद में बड़ा जो बीमारी और नासूर का रूप ले लेती हैं। इस वजह से हम देखते हैं कि कई ग्रामीण महिलाएं हमारी अशक्त हो जाती हैं या उनकी अल्प समय में मृत्यु हो जाती है। जो हमारे मीडिया है, जो हमारे समाचार पत्र है या जो हमारे सामाजिक लोग हैं, उन्हें गांव गांव में जाके जो मंगल दल है या महिला सशक्तिकरण जो समूह बनाए गए हैं, आजकल समूह बहुत बनते हैं, तो वहां पे इसकी जानकारी देनी चाहिए और इसके लिए एक स्वास्थ्य विभाग ने भी हर गांव में, एटलीस्ट गांव में नहीं तो एक हमें क्षेत्र पंचायत में एक कैंप लगाना चाहिए, जिससे गांव की महिलाओं को जो सबसे ज्यादा समस्याएं और जो सबसे ज्यादा मैं कहूंगा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, वो जो सबसे ज्यादा होती हैं कॉमन जो है, उनके बारे में बताना चाहिए कि आपको ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसके लिए रोकथाम ये करनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रामीण महिला आज भी, और बड़ा दुख होता है मुझे कहते हुए, कि ग्रामीण महिलाएं आज भी नंगे पांव अपने खेतों में जाती हैं और चप्पल पहन के या सैंडल पहन के, जूते पहन के इसलिए नहीं जा सकती कि आपको पता है हमारे गांव के रास्ते कैसे हैं। हमारे के आज भी हमारे गांव में कीचड़ है, हमारे गांव में बहुत सारे पत्थर हैं, अगर वो चप्पल पहन के जाती हैं, कीचड़ में अगर चप्पल फंस जाता है तो उनके सर पे जो भार होता है वो गिर सकता है, इसलिए उनको नंगे पांव चलने की आदत है। दूसरा, नंगे पांव चलने से देखिए होता क्या, नंगे पांव चलने से मान लीजिए कोई कांच का टुकड़ा लगा तो उन्होंने कुछ नहीं किया, घर में आके हल्दी लगा दी या उसको थोड़ा आग से उसको जलाया घाव को बस, या कोई लोहे का टुकड़ा लग गया
वो बड़े सोचते हैं कि सहज तरीके से ठीक हो जाएगा, लेकिन साल दो साल बाद होता क्या है कि उसमें सेप्टिक होने का डर रहता है। अगर सेप्टिक हुआ तो आपको पता है, जो अगर सेप्टिक कहीं अंग पे हो जाए तो उसको वहां से काटना पड़ता है, नासूर बन जाता है। पहली समस्या ये है कि हमारे गांव में हर महिला को, मैं कहूंगा ग्रामीण जो कृषि में है, जो मजदूरी में है, उनको टिटनेस का इंजेक्शन लगाना बहुत जरूरी है। ये काम कोई उसके घर के मुखिया का भी नहीं है। अगर हम समाज का दायित्व लेते हैं, ये काम हमारा भी है कि समाज का जो गांव का प्रधान है, जो गांव का प्रतिनिधि है या क्षेत्र का प्रतिनिधि है या वार्ड मेंबर है, वो अपने वार्डों में जाके महिलाओं को टीके लगवाए टिटनेस के। दूसरा, हमने बहुत बार देखा है कि गांव की महिला दराती से जो घास काटते हैं उनसे हाथ कटते रहते हैं, और देखते हैं बड़ा दुर्भाग्य होता है देखते हैं कि बैंडेड ना लगाते हुए वो क्या लगाते हैं, अपनी साड़ी का कोई चीज फाड़ के, धोती का कोई कपड़ा फाड़ के लगा लेते हैं, ये भी तो लाल दवाई लगा लेते हैं या कोई पत्तियां लगा लेते हैं। प्रॉपर एक हर गांव में एक फर्स्ट एड किट होना चाहिए, और वो किट ग्राम प्रधान के घर में या किसी जो भी वहां का दायित्व ले उसके घर में होना चाहिए। तीसरी बात, मैं बहुत एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं कि जो नियमित टीकाकरण है या नियमित जो विजिट है हमारे स्वास्थ्य विभाग की, या हर गांव में, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगा, सरकार कोई भी हो, लेकिन ये स्वास्थ्य विभाग का काम है कि वो जाए और हर क्षेत्र पंचायत या गांव पंचायत में कैंप लगाए, चाहे वो दो महीने में लगे या छह महीने में लगे, लेकिन छह महीने के अंतराल में कैंप लगते रहे, जिससे उनका स्वास्थ्य परीक्षण होता रहे। अगर महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण होता रहेगा, उनको जागरूक किया जाएगा, सांप काटने की घटना आप देखते ही है, प्रसव के दौरान आप घटनाएं देखते ही है, तो साफ सफाई का और सारी चीजें अगर हम देखें, अगर उनको जागरूक करें, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि जो महिलाओं का जीवन है वो जीवन उठेगा, वो जीवन सुधार करने की आवश्यकता जरूर सुधार होगा। अगर महिलाओं का सुधार होगा तो एक मां का सुधार होगा, अगर मां का सुधार होगा तो उसका बच्चा जो है वो तंदुरुस्त होगा। और कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि हर महिला के रूप में हमें माँ भी मिलती है, हमें बहन भी मिलती है, हमें पत्नी भी मिलती है, हमें हमारी बेटी मिलती है। तो इस पूरे जो जीवन चक्र है उसके सबसे महत्वपूर्ण घटक है महिला, और महिला के स्वास्थ्य के लिए एक बार फिर हम सबको जन चेतना जगाने की आवश्यकता है, और ये हमें करना चाहिए। और आपके माध्यम से भी मैं चाहूंगा कि यह हर एक श्रोता तक बात पहुंचे और वो महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति अपना उत्तरदायित्व दिखाए। धन्यवाद। बस आप सबसे हमारी विनती है दोस्तों, महिलाओं को जागरूक करें, वह अपने रोग या छोटी छोटी बीमारियों को ना छुपाएं, ताकि हमारा ये समुदाय समाज एक स्वस्थ समाज हो, क्योंकि माँ ही है जो संसार में सबसे बड़ी गुरु होती है। अगर माँ ही अस्वस्थ होगी तो फिर समाज स्वस्थ कैसे होगा, है ना दोस्तों? तो वादा कीजिए, अब आप ही अपने आसपास की महिलाओं को जागरूक करेंगे। तब तक के लिए मुझे देंगे इजाजत, अगली कड़ी में फिर एक नई जानकारी लेकर आएंगे महिलाओं के रोग पर। इसी के साथ दें इजाजत, नमस्कार।